एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज भी मैं आपके साथ एक हेल्दी सैंडविच की रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ, जो कि ये दही लिए मैंने, ये लोफेट मिल्क से बनी हुई है, घर का दही है। 2 स्पून लेनी है आपको। और उसके बाद हम थोड़ा वेजीज ऐड करेंगे, जैसे कि अनियन 1 स्पून हम इसमें अनियन डालेंगे, 1 स्पून ही हम ऑरेंज कैरेट डालेंगे। उसके बाद 1 स्पून शिमला मिर्च, जो कि ग्रीन, येलो और रेड कलर की है, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो ग्रीन चिलीज़ भी ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे भी फ्लेवर अच्छा आ जाता है, तीखा तीखा नहीं लगता, बस एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो ये क्यूमिन सीड्स पाउडर है, ये पिंच ऑफ, और पिंच ऑफ ही में ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूँगी इसमें। आप अच्छे से इसे मिक्स करना है। बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्दी रेसिपी, आप घर में बना के ट्राई ज़रूर करना, बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। पिज्ज़े की क्रेविंग भी इससे दूर होगी, अगर हम लोग डाइट करते वक्त हमें पिज्ज़े का दिल चाहता है तो आप ये बना के खाएं तो काफ़ी अच्छा और हेल्दी भी है, और ऐसा लगेगा जैसे आपने पिज्ज़ा ही खाया है। ट्रस्ट मी, आप बनाइएगा ज़रूर। इसमें पिंच ऑफ हिमालय पिंक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, मैं हिमालय पिंक सॉल्ट ही लेती हूँ, आप चाहें तो दोपहर में नॉर्मल नमक ले सकते हैं, ज़्यादातर मैं अवॉइड ही करती हूँ। अब ये ब्राउन ब्रेड है, और ये जो मेरी फिलिंग है जो मैंने सैंडविच के लिए बनाई है, इसको ऊपर रख रही हूँ। तो 2 ब्राउन ब्रेड लिए मैंने, 2 ब्राउन ब्रेड स्लाइस, काफ़ी यम्मी बनता है, आप ट्राई करोगे आपको खुद पता चलेगा। आप चाहें तो इसके ऊपर हल्का सा थोड़ा सा देसी घी लगा के सेकें, उससे भी अच्छा लगता है। ये बच्चों को देती हूँ तो मैं हल्का सा देसी घी लगा के ही सेकती हूँ उसको। इसको हल्के से ही फ्लिप करें और दबा दबा के, ताकि जो अंदर हमने जो फीलिंग रखी है वो अच्छे से चिपक जाए, खुले ना बाबा, क्योंकि ऐसा होता है ना, फ्लिप करने से ब्रेड खुल जाते हैं। मुश्किल से 2 मिनट लगे थे मुझे इसे बनाने में, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ये वाला सैंडविच भी मेरे। अगर आप इसमें पनीर भी ऐड कर देंगे वो भी अच्छा है, या क्यूकुम्बर, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जो घर में अवेलेबल हैं तो मैं वही ऐड करूँ। तो ये हमारा रेडी हो गया है, तो मैं आपको प्लेट में निकाल के फिर दिखाती हूँ। देखिए गाइस, यम्मी डिलीशियस, बहुत ज़्यादा टेस्टी सैंडविच है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, आप ट्राई ज़रूर करना। और ऐसा कुछ भी इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो आपके घर में अवेलेबल नहीं हो। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।